क्या हाल है। तो ये है मेरे पास न्यूली लॉन्च्ड मारुति सुजुकी एल्टो K10। सो देख लो, रेड कलर में खड़ी है और ये मेरे पास अभी खड़ा है VXI प्लस वेरिएंट। सो की दिखा देता हूँ पहले इसकी, ऐसी की मिलती भाई इसकी। और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग भी मिल जाती है इसमें। सो की ठीक है इसकी, तो बात करते हैं इसकी। तो रेड कलर में खड़ी मेरे पास, 6 कलर आते हैं इसमें। सो 5,60,000 से स्टार्ट होता है इसका बेस वेरियंट LXI, और ये है हमारे पास अभी VXI प्लस टॉप वेरिएंट। सो ये है मैनुअल वेरिएंट, तो इसका प्राइस पड़ता है आपको 6,15,000। और जो इसमें AGS वेरिएंट आता है ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग वाला, वो जाता है आपका 6,70,000 पे, और ये अभी मैनुअल है। तो बात करते हैं इसकी लुक्स की। सबसे पहली चीज़ तो इसमें लुक चेंज कर दी गई है पूरी, देख सकते हो पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम बना दी गई है लुक के मामले में। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी एक्सटीरियर से, और ग्रिल चेंज कर दी गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो सेंटर में मिल जाता है आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो, जो कि काफ़ी सही लग रहा है, और रेड कलर है। ये बोनट पे देख लो एस मिलते हैं यहाँ पे हल्के से, पेंट जो अच्छी कर रखी है भाई, शाइनिंग काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी यहाँ पे। और ये आपका जो वॉशर है यहाँ से दे रखा है पानी के लिए, वाइपर के लिए। और हेडलैम्प्स की बात करूँ, हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो नई चीज़ इसकी ग्रिल, ये देख लो नई ग्रिल दे रही, हनीकॉम ग्रिल दे रखी है, काफ़ी बड़ी ग्रिल है, मतलब ये इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है। आप कमेंट करके बताना कैसी लगी इसकी ग्रिल। नीचे की तरफ बात करूँ, बॉडी कलर्ड बम्पर्स देखने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे रेड कलर में ही, और यहाँ पे रेडिएटर के लिए थोड़ा स्पेस दे रखा है यहाँ पे। सो सही लग रहा है, ये लुक अच्छी दे रहा है यहाँ पे, और क्वालिटी ठीक है यार, ठीक ठाक क्वालिटी है। और बाकी यहाँ पे ना आपको फोग लैंप्स के लिए स्पेस नहीं मिलता, ये चीज़ है, तो फोग लैंप आप फिट नहीं करवा सकते, तो ये चीज़ एक थोड़ा सा वो लगा मेरे को मिस। बाकी साइड से बात करूँ तो साइड से इसकी लुक देख लो कैसी दे रखी, लुक ऊँची लग रही है, पहले वाली थोड़ी नीची थी। सो ये साइड से ऊँची और बड़ी गाड़ी का फील दे रही है थोड़ा सा, जैसे साथ में उसी लहरियों खड़ी। सो इनकी बॉडी शेप में ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, सेम सा लग रहा है, तो सही है भाई। वो थोड़ी सी चौड़ी है आगे से। बाकी बात करूँ टायर्स की, तो टायर देख लो इसको, 145/80 R13 टायर मिल जाते हैं, और यहाँ पे व्हील कैप हनीकॉम डिज़ाइन में मिल जाते हैं, व्हील कैप कवर्स इसमें, और ये VXI और VXI प्लस में आते हैं कवर्स आपके यहाँ पे। और भाई टायर JK टायर देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे भाई। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क मिलते हैं, और रियर में आपको ड्रम देखने को मिलते हैं, और बाकी ABS प्लस EBD मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो साइड ORVM से वो आपको बॉडी कलर नहीं मिलते भाई, यहाँ पे ब्लैक में मिलते हैं। नीचे की बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की, 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है आपको, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है इस गाड़ी का। तो पीछे से कुछ ऐसी लगती है भाई, पीछे की लुक भी चेंज कर दी बिल्कुल ही, और अच्छी लग रही है पीछे से, काफ़ी बड़ा लग रही है दिखने में। आप बताना कैसी लगी उसकी पीछे की लुक। और पीछे आपको सेंसर्स दे रखे हैं, दो सेंसर दे रखे हैं पीछे की तरफ आपको, और पीछे का भी जो बम्पर है बॉडी कलर देखने को मिलता है भाई, और रेड कलर मेरे को अच्छा लग रहा है वैसे यार, कुछ काफ़ी अच्छा सा फील दे रहा है रेड कलर इसका। और पीछे आपको ये सुजुकी का लोगो मिल जाता है यहाँ पे, जो पीछे आपका बूट स्पेस ओपन करने के लिए की का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप बटन से नहीं कर सकते, तो ये नहीं मिलता आपको, मैनुअली करना पड़ेगा ओपन। एल्टो K10 की वैचिंग मिलती है, ये एल्टो 3D में लिखा हुआ है। पीछे की जो रियर लैंप्स है, रियर लाइट्स, ये कुछ इस डिज़ाइन में मिलती है, थोड़ी सी स्क्वेयर टाइप में, बट यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं, ये भी हेलोजन ही मिलती है आपको, यहाँ पे कोई LED सेक्शन नहीं मिलता LED RL टाइप का। तो वैसे दिखने में ठीक लग रही है, डिसेंट सी लुक दे रही है। एंड पीछे का जो मिरर है आपको यहाँ पे कोई डिफोगर वगैरह नहीं मिलता, नॉर्मल मिरर मिलता है, यहाँ पे रिवर्स के ये लाइट मिल जाती है पीछे। और एंटीना की बात करूँ, सो भाई फ्रंट में प्लेस है, पीछे नहीं दे रखा, यहाँ पे देते तो और अच्छा लगता, पीछे एंटीना दे रखा, आगे दे रखा काफ़ी बड़ा सा, तो ये काफ़ी बड़ा सा एंटीना दे रखा है इसमें भाई आपको। तो ये है बाहर की बात, ऐसा लग रही है बाहर से। तो कुछ लुक मैंने आपको पूरी दिखा दी है, एक बार फिर से थोड़ा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ, देख लो। और फ्यूल टैंक की बात करूँ, तो इसमें 27 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ये आपको डोर ओपनर मिल जाते हैं बॉडी कलर ही, बाकी अभी अंदर चलते हैं, अंदर की बात करते हैं। इंजन दिखा देता हूँ आपको, सो भाई ये है बोनट खोल के दिखा देता हूँ, ये है बोनट में वेट बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, हल्का सही है भाई, ठीक है क्वालिटी, मतलब वही आपको पता है मारुति की वैसे तो, बट ठीक है। ये आपको इंजन मिलता है आपको नेक्स्ट जनरेशन के सीरीज 1 लीटर DualZ DualVVT इंजन है भाई। और पावर की बात करूँ तो 66 PS पावर देखने मिल जाती है, 89 Nm ऑफ टॉर्क देखने मिल जाता है आपको यहाँ पे भाई, तो ठीक है। बाकी पेट्रोल इंजन है ये, CNG वेरिएंट भी इसमें आएगा आगे, अभी फिलहाल तो नहीं है, बट CNG का भी आएगा, तो माइलेज तो काफ़ी अच्छी देगी ये कंपनी, जो क्लेम कर रही है वो 24 का कर रही है क्लेम। सो चलो इंटीरियर की तरफ चलते हैं, खिड़की ओपन करते हैं भाई एक बार।
तो विंडो कुछ ऐसी मिलती है, ब्लैक सेक्शन दे रखा है पूरा विंडो में, कोई एक्सटर्नल टच नहीं दे रखा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है, कोइन होल्डर रखो या कुछ छोटा मोटा सामान। यहाँ पे एक लीटर की बोतल रख सकते हो फ्रंट में, ये थोड़ा सा स्पेस है। और ये डोर हैंडल मिलता है सिल्वर एक्सेंट में, ये थोड़ा सा पेरीमीटर दे रहा है यहाँ पे। और क्वालिटी ठीक है यहाँ पे इंटीरियर की, और स्पीकर प्लेस मिलते हैं आपको यहाँ पे। बाकी चलो सीट की तरफ बात करें तो सीट मिलती है कुछ ऐसी, नया सीट का डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पे। अब की बार यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती, ड्राइवर साइड नहीं मिलती ना को ड्राइवर साइड मिलती। बाकी एडजस्ट कर सकते हो, सीट रिक्लाइन कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एडजस्ट करते हो। और यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर दे रखा है, और बूट स्पेस ओपन करने का भी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप बोनेट ओपन कर सकते हो। चलो अंदर बैठते हैं एक बार, तो खिड़की की आवाज कुछ ऐसी आती है बंद करने पे। तो ऐसा इंटर मिलता है आपको, फुली ब्लैक इंटर देखने को मिलता है अंदर की तरफ से। एंड यहाँ पे जगह जगह सिल्वर एक्सेंट दे रखे हैं, ये सिर्फ VXi में और VXi प्लस में ही मिलेंगे आपको। ठीक है, ब्लैक इंटीरियर है, फुल ब्लैक इंटर देखने को मिलता है पीछे भी। सो की ऑन कर दिया मैंने, तो ये है स्टेयरिंग भाई, राउंड शेप में मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ। यहाँ पे वॉइस कमांड भी मिलता है, टॉप वेरिएंट में ही मिलता है VXi प्लस में। और ये कॉल कट करने का, कॉल उठाने का, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने मिल जाता है आपको यहाँ पे, म्यूजिक सेट करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, वॉल्यूम म्यूट करने के लिए। तो ये अच्छी चीज़ आपको बटन मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड, ये ही आपको टॉप मॉडल मिलते हैं। एंड ये AC वेंट मिलते हैं कुछ ऐसे राउंड शेप में, अच्छी लुक दे रहे हैं। और ORM एडजस्ट कर सकते हो आप अंदर से, यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल है ORM, ऑटोमेटिक नहीं है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे AC वेंट मिलते हैं। मीटर की बात करूं सो डिजिटल मीटर मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिखाती है, RPM वगैरह कुछ दिखाती है आपको यहाँ पे। ये बैटरी इंडिकेटर है, इंजन मालफंक्शन, स्टीयरिंग का इंडिकेटर दे रखा है, और यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर भी शायद देती होगी, सर्विस के बारे में यहाँ पे दिखाती है। और ये रेंज दिखाएगी आपको, फ्यूल गोज दिखाती है यहाँ पे, और ये सब चीज़ मिलती है यहाँ पे। आप इसको सेट कर सकते हो 40 किलोमीटर आपका ओडोमीटर, और ये ट्रिप ए ट्रिप बी एंड माइलेज भी दिखाएगी आपको कितनी देरी एवरेज वगैरह यहाँ पे KMPL में, और ये एवरेज दिखा रही है आपको, देख सकते हो। सो ऐसा मिलता है मीटर, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है। सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है आपको, ये हैंड ब्रेक का रिमाइंडर मिलता है, और इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं भाई सेफ्टी के लिए, बता दूं तो सही चीज़ है। एंड इसमें ये फर्स्ट इन सेगमेंट वाली चीज़ में बताऊँ, इसमें 4 स्पीकर मिलते हैं, 4 डोर्स में स्पीकर मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये टॉप वेरिएंट मिलते हैं आपको, चाइल्ड लॉक भी मिलता है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिलता है, डोर हजार वार्निंग भी मिलती है, सीट बेल्ट वार्निंग भी देती है ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। म्यूजिक सिस्टम तो यहाँ पे आपको फ्यूल वार्निंग दिखाती है, नेविगेट का कुछ ऑप्शन दे रखा है, आप फोन पे कनेक्ट करोगे तो आप नेविगेशन ऑन कर सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो वाला फंक्शन जो बोलते हैं। और भाई यहाँ पे आपको इनको ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो आप, ये फोन का भी ऑप्शन मिलता है, फोन कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से अपना। एंड यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ दिखाती है। बाकी बैक करता हूँ, टच अच्छा है, टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एवरेज माइलेज भी दिखाती है, और इसको नीचे करते हैं तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ पेयर डिवाइस दिखाती है, यहाँ पे पेयर कर सकते हो अपने फ़ोन वगैरह को। एंड ये म्यूज़िक का करूँ तो ये FM AM ब्लूटूथ USB AUX सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे भाई। एंड आवाज़ तो अभी FM चल रहा है इसमें, तो ठीक है। बाकी टच सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है, और मतलब सही है यार, स्मार्ट कनेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट वॉइस कमांड मिल जाता है आपको यहाँ पे, तो अच्छी चीज़ें दे रखी इसमें। बाकी यहाँ पे AC कंट्रोल्स दे रखे हैं, और मैनुअली AC मिलती है आपको यहाँ पे भाई, यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको हीटर भी मिलता है, और एयर कंडीशनर भी मिलता है आपको यहाँ पे। नीचे की तरफ बात करूँ, 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है आपको यहाँ पे, 120 वोल्ट का USB और AUX का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, यहाँ पे AUX लगा सकते हो, और ये टाइप है USB लगा सकते हो भाई। एंड नीचे बात करूँ, ये थोड़ा स्पेस मिलता है, आप यहाँ पे अपना फोन वगैरह पर्स वगैरह कुछ भी रख लो, 2 ग्लास होल्डर का स्पेस मिलता है। ठीक है, क्वालिटी सही है यार, मतलब ठीक है, इंटर क्वालिटी ठीक है इसकी। तो ये आपको गियर रूम मिलता है, नॉर्मल सा ही मिलता है भाई, कुछ ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं मिलता ये। एंड ये मैनुअल हेड ब्रेक मिल जाता है आपको यहाँ पे। सीट की बात करूँ तो भाई थाई स्पोर्ट थोड़ा कम मिलता है, बाकी तो कंफर्टेबल है सीट इसकी, और बकेट सीट है, ये चीज़ अच्छी है, कंफर्टेबल सीट है, मतलब आप आराम से ले जा सकते हो। एंड ये आपको IRM मिल जाता है, मैनुअली एडजस्टेबल, यहाँ पे ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं है। सनवाइजर मिलते हैं पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों तरफ, यहाँ पे वेंटी मिरर नहीं मिलता, ना ड्राइवर साइड मिलता ना पैसेंजर साइड मिलता। और सेंटर में आपको लाइट मिल जाती है ये, एंड ये यहाँ पे आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये है फ्रंट की बात, अभी चलते हैं पीछे की तरफ। सो सामने से ऐसी लग रही है, और फिर से दिखा देता हूँ पूरा इंटीरियर। बाकी सही है, जो आपको ये डैशबोर्ड है यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, धूप तो आएगी भाई थोड़ी यहाँ पे, बट ये सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
पीछे का डोर भी आपको यहाँ पे ऐसा मिलता है ब्लैक में, ये थोड़ा स्पेस है, स्पीकर है एंड ये आपका सिल्वर एक्सेंट में मिलता है आपका डोर हैंडल। एंड ये जो आपका विंडो है पीछे की तरफ, ये आपको मिलती है मैनुअल एडजस्टेबल मिलती है भाई, यहाँ पे ऑटो एडजस्टेबल नहीं मिलती, मैनुअल मिलती है, ये ऐसे हाथों से कर सकते हो आप इसको। तो ये चीज़ है और बाकी अंदर दिखाऊँ तो अंदर से कुछ ऐसा व्यू आता है पीछे वाली सीटों का, तो अंदर चलते हैं भाई। तो पीछे से पहले तो मैं व्यू दिखा देता हूँ फ्रंट का, ऐसा कुछ व्यू आता है पीछे की तरफ से, सही लगती है अंदर से। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, फुल ब्लैक है, किसी को पसंद आएगा किसी को भाई नहीं आएगा, बाकी एरी एरी फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ कंजेस्टेड टाइप का, कंफर्टेबल फील हो रहा है भाई, अच्छी लग रही है मेरे को तो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी गाड़ी की लुक्स। और बात करूँ सीट के पीछे वाले की भी, यहाँ पे वही चीज़ थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, बाकी तो कम्फर्टेबल है, दो बंदे आराम से बैठ पाएंगे, बीच में एक बच्चा बैठ जाएगा या भाई तीन बंदे पतले हैं दो भी बैठ जाएंगे, भारी बंदे नहीं बैठ पाएंगे तीन भाई यहाँ पे। एंड सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, साइड लॉक का मैंने आपको बता ही दिया। और भाई ठीक है, पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है पीछे की तरफ, और लेग स्पेस ठीक है भाई, और सही है, मतलब अच्छी है गाड़ी इस सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से। आपको 1000 लाइट का बटन मिल जाता है एंड ये फ्रंट पावर विंडोज, ये इधर से यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, फ्रंट में आपको पावर विंडो मिलती है इसमें, ये ड्राइवर साइड भी, तो ये सेंटर में दे रखा है इसको सेंटर, पहले यहाँ पे नीचे आती थी अब यहाँ पे ऊपर कर दी गई ये चीज़ें। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, यहाँ पे आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ बटन स्पेस दे रखा है शायद मेरे हिसाब से, आप सीएनजी वगैरह फिट करवाओ सो यहाँ पे उन चीज़ों के लिए स्पेस दे रखा है, तो ये भी सही है, पहले ही ऑप्शन दे रखा है आपको। चलो एक बार वो दिखाता हूँ मैं, यहाँ से बूट वाला ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप दिखाता हूँ आपको इसका, तो ये 214 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है भाई इसमें, बैलून्स रखे हैं अभी यहाँ पे, तो कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलता है आपको भाई। और ठीक है मतलब स्पेस, ये ट्रे मिलती है, ये आपको VXA प्लस में मिलती है, नीचे तरफ आपको स्पेयर टायर मिल जाएगा स्टेपनी, तो ये भी सेम साइज़ मिलता है आपको 145/80R 13 इंची का, तो ठीक है सेम ही टायर है। और यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हो, काफ़ी स्पेस है, बाकी CNG सिलेंडर भी लगवा सकते हो, स्पेस काफ़ी सही है इसमें, बाकी CNG का वेरिएंट भी आ ही जाएगा जल्द, तो ठीक है। तो ये है भाई न्यू एल्टो K10, मैंने दिखा दिया आपको पूरी इंटरनली एक्सटर्नली सारी लुक दिखा दी है, सारे फीचर्स बता दिए, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है और इस सेगमेंट में सही है, और लुक तो काफ़ी अच्छी कर ही दी, तो ठीक है जिनको माइलेज वगैरह चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन रहेगा, और चलने में भी काफ़ी स्मूथ है, इंजन भी बढ़िया इसका। तो चलो अगर गाड़ी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, और कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट्स में पूछना भाई, बाकी वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक खुश रहो, मौज लो, बाय।